हेलो एवरीवन, आज के कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो फिर आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर आप किसी सिचुएशनशिप में भी हो सकते हो, या फिर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। जो इंसान अभी इस वक्त आपके दिलो दिमाग पे छाया है और अक्सर आप जिन्हीं के बारे में सोचते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका करंट थॉट प्रोसेस, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही उनका अगला कदम क्या होगा ये भी आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा, और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे कैंडल वैक्स के जरिए जो इमेजेस इसमें फॉर्म होंगी उसका मैं इंटिटिवली इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, या आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का आया है, तो आपको इस पर्सन ने परेशान कर रखा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता क्या है, यहाँ पे हो क्या सकता है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है। बस आप इन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हो, आपके पास कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है कि जिसकी वजह से आप ये सब कर रहे हो, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। तो ये पर्सन आपके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है और आप अक्सर इन्हीं की वजह से परेशान हो जाते हो और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके साथ ये हो क्यों रहा है। आपको इनसे कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए या फिर फॉरएवर वाला साथ चाहिए, कुछ एश्योरेंस चाहिए, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको ना सुपरफिशियल रिश्ते पसंद नहीं आते हैं, जब आप किसी से अटैच होते हो तब आप उनसे डिटैच होने में टाइम लगा देते हो, यानी आप हर किसी के साथ कनेक्शन फील करोगे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप बहुत कम लोगों के लिए कनेक्शन फील करते हो और आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन फील हो रहा है, और इनसे आपको कमिटमेंट चाहिए, कुछ प्रॉमिस चाहिए, कुछ एश्योरेंस चाहिए, या फिर आप में से कुछ लोग मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं। आपकी जैसी पर्सनालिटी है ठीक वैसी ही उनकी भी पर्सनालिटी है, वो भी आपसे मिलते जुलते हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो उनको पता चल जाता है, या फिर आप जो फील करते हो वो उनको पता चल जाता है। उनको कभी कभी ये भी लगता है कि आप थोड़े से एटीट्यूड वाले हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, आपको खुश करना इतना आसान नहीं है, ऐसा भी वो आपके बारे में सोचते हैं। ये इंसान सोशली कम एक्टिव रह सकता है, या फिर ये ऊपर से तो सब किसी के साथ कनेक्ट करते हैं लेकिन इनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा हो, बहुत ज़्यादा चूजी हो, सेलेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल का ये पर्सन मुझे दिखता है, यानी एक थिंकर की एनर्जी मुझे इनमें दिखाई देती है। ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत डीप लेवल पर जाके चीज़ें महसूस करता है, इमोशंस महसूस करता है, और इनको मीनिंगफुल चीज़ें अच्छी लगती है, मीनिंगफुल रिश्ते अच्छे लगते हैं, मीनिंगफुल टॉक इनको अच्छा लगता है, प्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी रहना इनको अच्छा लगता है। इनको टाइम पास वाली चीज़ें ना तो अट्रैक्ट करती है ना ही वो इसका हिस्सा बनते हो, ऐसी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। इनकी एक ओल्ड सोल है, भले ही इनकी बॉडी यंग हो सकती है लेकिन इनके अंदर एक ओल्ड सोल है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 5 ऑफ
कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इस इंसान के थॉट प्रोसेस में भी आप चल रहे हो, लेकिन इनको नहीं समझ आ रहा है कि अब एग्जैक्टली ये फीलिंग्स क्या है, इन फीलिंग्स का आगे क्या करना चाहिए या फिर इन फीलिंग्स को कैसे रेगुलेट करना चाहिए, ये भी इनको पता नहीं चल रहा हो। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद आप इनके साथ स्टक एनर्जी में हो और ये भी वैसा ही कुछ फील कर रहे हैं, यानी ये ना तो आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही ये आपको भुला पा रहे हैं, ना ही ये इंट्रैक्शन बढ़ा पा रहे हैं, ना ही ये कट ऑफ कर पा रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन में ये इंसान मुझे दिखाई देता है। फोर ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, और आप लोगों की मीटिंग के लिए भी मुझे ऐसे लग रहा है कि एक कैजुअल मीटिंग हो सकती है, कैजुअली आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ हो और उसके बाद डेवलप हुआ हो, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान जो है मेकिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने के चांसेस मुझे लगते हैं, और ये आपको खोने से डरते भी है। इनको ना फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, या फिर इनको ना अटैचमेंट से या फिर कमिटमेंट से डर लगता हो। इनको लगता है कि अगर ये किसी से अटैच हो गए और फिर उनका कुछ प्रॉब्लम आ गया, उस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये इंसान जिन लोगों से प्यार करता है उनको खोने से डरता हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे सब खामोशी वाली ही लाइकिंग चल रही है, दिल ही दिल में आप लोग एक दूसरे से बातें करते हो लेकिन इंटरेक्शन कमी हो रहा हो, ऐसी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। इसीलिए शायद एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपने थोड़ा सा एक्शन में आना है, इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो अपनी लाइकिंग उनको बतानी है और इस कनेक्शन को डेवलप करने की कोशिश आप लोगों ने करनी चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट होना चाहिए और इनडायरेक्टली आपने सारी चीज़ें जो है वो करनी है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। थोड़े से चांस ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सिंबल जो निकला है वो स्पेक्स का निकला है, तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन स्पेक्स लगाता है, या फिर आप लोगों की हॉबी जो है वो बुक्स रीड करना हो सकती है। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन ये होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये म्यूज़िक लवर्स भी रहेंगे, आप लोगों के कनेक्शन में म्यूज़िक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन ये हो सकते हैं, एक जगह पे चुपचाप बैठना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के भी ये रहेंगे, इनका दिल बहुत ज़्यादा साफ रहेगा और इनको मदद करना, अपलिफ्ट करना अच्छा लगता हो, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हो, फेदर्स दिख रहे हो, या फिर ये इंसान जो है थोड़ा सा प्रिटेंड कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मास्क भी आया है। नेचर लवर रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप इनके ड्रीम वर्ल्ड में हो, आप इनके इमेजिनेशन में हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप दोनों भी एक दूसरे के इमेजिनेशन में हो, थॉट प्रोसेस में हो, लेकिन लाइफ में शायद नहीं हो, ऐसा ही सिनारियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब और ज़्यादा डिटेल में उनके थॉट प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड के लिए इस फ्लेम के ऊपर फोकस करें, उनको याद करें, उनको विजुलाइज करें, उनका नाम मन में 3 बार लें। आपके कनेक्शन का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो रह सकता है, बहुत ही ज़्यादा स्लोली ग्रेजुअली ये कनेक्शन डेवलप हो रहा हो, और कई बार आपको ऐसे भी लगता है कि ये डेवलप हो भी रहा है कि नहीं, ये कहीं वहीं के वहीं हम अटके हैं, ऐसा भी आप लोगों को लग सकता है। ये आपको कमिटमेंट देने की पोजीशन में नहीं है, ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन शायद इन्होंने कमिटमेंट के बारे में सोचा ही नहीं हो, या फिर इनकी वो पोजीशन ही ना हो, ऐसा हो सकता है। ये अपने करंट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जिसकी वजह से अभी इस वक्त ये खुश नहीं है। इनके डोमेस्टिक फ्रंट में कुछ स्ट्रेस चल रहा हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर इनके वर्क रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो एज पर प्लान नहीं जा रही है, थोड़े से लॉस्ट फील कर रहे हो। हालांकि ये इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है, इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, लेकिन अभी इन दिनों ये थोड़े से लॉस्ट फील कर रहे हैं, थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ हो, ऐसे भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये कभी कभी आपको
लेके जेलस फील करते हैं जब आप और किसी को अटेंशन देते हो या फिर आप जब और किसी से बात करते हो तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये डायरेक्टली आपको कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं या फिर आपको माइन्यूटली स्टडी करते रहते हैं, आपको लेके ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, ये मुझे यहाँ पर लगता है। लेकिन आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन कुछ खास हो नहीं रहा हो, ऐसी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि ये पर्सन एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड है, इनका नाम आपको बार बार दिखता हो, या फिर इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से ये आपको बार बार याद आते हैं, या फिर आपको कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हो, ये पर्सन आपको ड्रीम्स में दिख रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अक्सर ऐसा जब हम फील करते हैं तब ये टू वे होता है, यानी वो भी आप ही के बारे में सोच रहा होता है या फिर आप ही को याद कर रहा होता है, तब ऐसा हम महसूस करते हैं। तो आप लोगों के बीच में ऐसी कोई अनसीन कॉर्ड है जो इस्टेब्लिश हो चुकी है, जिसकी वजह से एनर्जी एक्सचेंज जो है वो होते रहता है। हमारे वर्ड्स के ज़रिए हम लोग हमारे फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वर्ड्स के अलावा ऐसे और भी कुछ तरीके होते हैं जिनसे ये आपसे जुड़े रहते हैं, ऐसा भी मुझे गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, आपका सोचने का तरीका एक जैसा हो, या फिर आपके प्रोफेशनल गोल्स एक जैसे हो, या फिर आपके पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस एक जैसे रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ऐसा दिखाते हैं, और ओरिजिनली ये प्रैक्टिकल बनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपको लेके इनके दिल में इमोशंस जो है वो निकल के आ रहे हैं, या फिर इनके आपके वजह से इनके दिल में कुछ हलचल हो रही हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू अप्रोच पर्सन हो सकता है, यानी ये इजीली मेल्ट होने वालों में से नहीं है, तभी ये कैंडल मेल्ट होने में इतना टाइम लगा रही है, तो ये पर्सन इजीली मेल्ट होने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, ऑलरेडी इनको बहुत सारी अटेंशन मिल रही हो, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हेक्टिक स्केड्यूल इनका हो, ऐसी भी मुझे एनर्जी इनके लिए फील होती है। लेकिन इनके हेक्टिक स्केड्यूल के बावजूद भी इनको जब भी वक्त मिलता है आपका थॉट इनके एनर्जी फील्ड में मुझे दिखाई देता है। आपकी बातें या तो इनको अच्छी लगती है, या फिर आपके लुक्स पे ये मर मिटे हो, या फिर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ही इनको बहुत अच्छी लगती हो, ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे वर्ड्स जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। आप जो इनसे बातें करते हो, भले ही वो फॉर्मल बातें हो या फिर बहुत ज़्यादा कैजुअल बातें हो, लेकिन इनको वो बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। आप इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हो और आप इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी लगते हो, कभी कभी आप इनको उनके जैसे भी लगते हो, तो आप लोगों में कुछ सिमिलैरिटीज रहने के चांसेस भी डेफिनेटली है। उनको लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो आसान नहीं है, आप आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली हो, एम्प्टीनेस आप फील करते हो, आपको जिस प्यार और केयर की ज़रूरत है शायद वो आपको मिला ही नहीं हो, ये वो जान चुके हैं। कैसे ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये मैसेज उन तक पहुंच चुका है। कई बार हमको कुछ चीज़ें जो है वो अपने आप पता तो लग जाती है, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हमें कैसे पता चला, वैसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। वो आपसे डरते भी है, आपको हर्ट करने से डरते हैं, या फिर हो सकता है कि वो आप जो इनमें इन्वॉल्व हो जाते हो, आपका जो एक इमोशनल साइड है ये उससे भी डरते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाते हैं, तो ये इसी के वजह से जब आपका इमोशनल साइड देखते हैं तब इनको खुशी के बजाय डर ही लग जाता है। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो सकता है, जो भी ये काम करते हैं दिल से करते हैं, फिर चाहे पर्सनल लाइफ रहे, ये अपना 100% देना प्रेफर करते हैं, और जहाँ इनका दिल जुड़ता नहीं है तब इनको रियल हैप्पीनेस नहीं मिलता है, और इनका दिल जो है वो आपके लिए एक कनेक्शन फील कर रहा है। अब ये कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है, इसका क्या हो सकता है, ये इनको समझ नहीं आ रहा है, ये बात अलग हो गई, लेकिन कनेक्शन तो डेफिनेटली ये फील कर रहा है।
कई बार कुछ लोग हमको फर्स्ट टाइम मिलते हैं और हमारा कुछ खास रिश्ता भी नहीं होता है, लेकिन वो हमको बहुत ज़्यादा अपने लगते हैं, वैसा ही आपके लिए फील करते हैं। तो आपके लिए इनके दिल में हमदर्दी है, सॉफ्ट कॉर्नर है, एक अपनापन वो आपके लिए फील करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्यार के साथ इनके दिल में बहुत सारे इमोशंस जो है वो चल रहे हैं, जैसे कि डर। इनको डर बहुत परेशान करता है, शायद रिलेशनशिप का डर, किसी को खोने का डर, रेपुटेशन का डर, ऐसे बहुत सारे डर इनको परेशान करते हैं। और शायद ये डर इनके ऊपर हावी हो जाता है, इसी की वजह से आपके कनेक्शन में आपको कुछ खास ग्रोथ भी नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप अपने दिल को टटोलोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, कभी कभी आप कुछ ऐसा कह देते हो कि जिसका आपको भी रिग्रेट हो जाता है, वो हरकत इनको शायद अच्छी नहीं लगती है। तो आप थोड़े से इम्पेशेंट या फिर इम्पल्सिव रहने के चांसेस भी है, और या तो ऐसा इनके ऊपर इम्प्रेशन गया हो, ऐसा भी हो सकता है। उनको लगता है कि आप पहले कह देते हो फिर सोचते हो, आप बिल्कुल भी दिमाग यूज़ नहीं करते हो, शुगर कोट नहीं करते हो अपनी बातों को, आप डिप्लोमेटिक बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। आपके थॉट्स को ये बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जान के अनजाने बनते हो, ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि यहाँ पे आपके इंटेंशन सही होने के बावजूद भी आपको गलत समझा गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको लेके तो ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इस कनेक्शन को लेके थोड़े से डाउट में हो, या फिर थोड़े से कन्फ्यूजन में हो, या फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। इनको आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इनको सही मौका नहीं मिल रहा है, या फिर इनको लगता है कि अगर वो अपने दिल की बातें आपको बता देंगे तो पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, ये भी डर इनको लगता है। और कभी कभी इनको लगता है कि जब कुछ आउटकम मिलने ही नहीं वाला है तो बोल के फ़ायदा ही क्या है, ऐसी सिचुएशन में चुप रहना ही बेहतर है, ऐसा भी ये सोचते हैं। ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, इसलिए फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं, बात करने का फ़ायदा क्या है, किसी को दिमाग में रखने का नुकसान क्या है, अक्सर ये इसी के बारे में सोचते हैं। और इस कनेक्शन में इनको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही दिखाई दे रहा है। आपको भी ये नुकसान दिखाई देता है, लेकिन आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब फ़ायदा नुकसान सोचने के बावजूद भी आप इस कनेक्शन में बने रहना चाहते हो, या फिर आप खुद को समझा नहीं पा रहे हो, आप अपने दिल के आगे मजबूर होते जा रहे हो, ये आपका सिनेरियो मुझे यहाँ पे फील होता है। ये सॉन्ग्स के जरिए, म्यूजिक के जरिए आपको कुछ थॉट्स एक्सप्रेस करते हो, या फिर आप ये सब करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के कनेक्शन में म्यूजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप लोग दोनों पैरेलल वर्ल्ड में रह रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आपकी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है, लेकिन आप दोनों की एक खूबसूरत सी दुनिया है जहाँ पे आप लोग इमेजिनेशन में रहते हो, और जो भी आप लोग इमेजिन कर रहे हो ये इत्तफाक नहीं है, ये आपने आपकी किसी प्रीवियस लाइफ में वो मोमेंट को जिया है, इसकी वजह से आपकी सोल जो है उन इमोशंस को भूली नहीं है, इसी की वजह से वो मेमोरीज जो है बार बार आपको याद दिला रही है, या फिर आप उसी की वजह से वैसे इनको लेके कुछ इमेजिनेशन करते रहते हो। इनको लगता है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको लेके कहीं चले जाना चाहिए जहां पे इनको कोई नहीं पहचाने, आपको कोई नहीं पहचाने, ऐसा कुछ ये सोचते रहते हैं। जब भी आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि वो इस कनेक्शन से डरते हैं, इसी की वजह से शायद ये आपका दिल दुखा देते हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और आपको ऐसे लगता है कि आपको दुनिया जहान में बस यही एक पर्सन मिला था प्यार करने के लिए, जिसको जिसके पत्थर दिल पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा भी आप सोचते रहते हो। और आपको ऐसे लगता है कि आपने दिल दे के बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली है खुद के लिए, ऐसा भी आप सोचते रहते हो। इस इंसान को आपका दिल दुखा के बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है,
लेकिन इनको ये करना पड़ता हो ऐसा भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। कई बार इनको पता चल जाता है कि अब आप हर्ट हुए हो, अब आप नाराज हो, लेकिन ये कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं या फिर कुछ एक्सप्रेसिव नहीं है ये। इसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके कनेक्शन में होती जा रही है। तो आपके कनेक्शन के लिए मुझे क्रश या सिचुएशनशिप ज़्यादा समझ आ रही है। यहाँ पे कनेक्शन डेवलप ही नहीं हुआ है, डेवलप होने के पहले ही बहुत सारी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ये पर्सन करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनसे रिलेटेड एक दो चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो आपका थॉट प्रोसेस है उसके थोड़ी सी वो अपोजिट भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हो। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है और आपको सिर्फ कमिटेड रिलेशनशिप ही चाहिए। ये मेजर प्रॉब्लम आपके कनेक्शन का हो सकता है। उनको बहुत कुछ कहना है लेकिन उनको लगता है कि वो क्या ही कह सकते हैं, और जो कहेंगे, जो आपको एक्सप्रेस करेंगे, उसे वो निभा पाएंगे कि नहीं, ऐसे भी डाउट्स इनको परेशान करते हैं। इनको लगता है कि प्यार करना तो आसान होता है लेकिन निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इनकी लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब ये नई मुश्किलें अपनी लाइफ में ऐड नहीं करना चाह रहे हो ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसी की वजह से ये आपसे दूर भागते हैं, इस कनेक्शन से दूर भागते हैं, और दूर भागने के बाद फिर से आपको याद करते हैं। तो एक मैग्नेटिक पुल और पुश दोनों भी वो इस कनेक्शन में महसूस करते हैं, और इनके इसी बिहेवियर की वजह से आप जो हो कंफ्यूज हो जाते हो। आखिर ये चाहते क्या है आप समझ ही नहीं पाते हो। दरअसल ये आपको चाहते तो है लेकिन शायद आपके साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते हैं, या फिर ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हो, ये इनकी मजबूरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग अगर इनर वर्क करते हो, आप अगर कुछ मैनिफेस्टेशन करते हो, दुआएं करते हो, कुछ हीलिंग करते हो, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को डेफिनेटली मिल सकता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन से इम्पॉसिबल सी चीज़ें भी मिल जाती है, इम्पॉसिबल से कनेक्शन भी डेवलप हो जाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पे चीज़ें जो है वो स्पीड अप होगी, थोड़ा सा ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा, और आप जैसा चाह रहे हो शायद वो आपको मिल भी जाए। आप कितने डेडिकेशन के साथ और कितने डाउट फ्री माइंड के साथ मैनिफेस्टेशन करते हो ये उस पर डिपेंड करता है, यानी आपका थॉट प्रोसेस और आपके एफर्ट्स इस कनेक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। और अगर आपने गिव अप कर दिया तो ये कनेक्शन कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।